नमस्कार। तो आज मैं बात करूंगा, अगर आपका फ़ोन खो गया है, चोरी हो गया या छीन लिया गया है, तो आप उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, ट्रेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे पुलिस के पास जाना, वो सारी चीज़ें प्रोसेस बहुत पुराना हो गया है। और उसके बाद में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हूबहू करवाऊँगा आप लोगों को, जो बड़े सारे अभियान चलाए जा रहे हैं कि आपके खोए हुए फ़ोन, चोरी किए हुए फ़ोन आप ढूंढा जा सके आसानी से। तो उन सब पे मैं बात करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक चीज़ और बताऊंगा, आपके आईडी पे कितने सिम चल रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके क्या नाम है, आईडी से कितने सिम चल रहे हैं। जैसे होता क्या था, लोगों के सिम कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, मैं एडवोकेट हूँ तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कई ऐसे कंप्लेन भी आए हैं मेरे पास, जिसमें कहते हैं भैया हमने तो सिम एक ही चला रहे हैं बट हमारी आईडी पे ना कई सारे सिम चल रहे हैं। तो उन सिम को आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं, मानी चुपके से भी अगर आपके आईडी से कोई फ़ोन सिम चलवा रहा है, यूज़ कर रहा है, और उसमें होता क्या, अगर सिम आपके नाम से कुछ गलत करेगा तो आप फंस जाएंगे उसमें। उन सबको आप ब्लॉक करवा सकते हैं, उस सिम को बंद करवा सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट बहुत सी यूजेबल होने वाली है, क्योंकि पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा, आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे ट्रेस कर सकते हैं फ़ोन को, गायब हुए फ़ोन को। अगर वो स्विच ऑफ भी कर देगा फ़ोन, तब भी आप ट्रेस किया जा सकता है। नेम तो क्या कहते हैं, फीचर्स तो ऐसे हैं इस सिस्टम में कि आपके फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर पाएगा अगर आप न चाहें तो। दूसरी बात, फ़ोन मिलने के बाद में आप उसको लॉक फ़ोन को, ब्लॉक फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अब हम सबसे पहले संचार साथी टाइप करते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए संचार साथी पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने पहले वाले संचार साथी पर क्लिक कर दिया। ये करने के बाद में जो आपको सबसे पहले दिखेगा, संचार साथी .gov.in, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलता है, और जिस पर हम देखेंगे, और इसमें जो CEIR जो पोर्टल पहले था, हम लोग आपको मोबाइल ब्लॉक करने की बात बताते थे, ये वही चीज़ है, इसको और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। तो नीचे हम और चलते हैं, और यहाँ पे तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ऊपर ये दिख रहा है, ब्लॉक योर स्टोलन फ़ोन या लॉस्ट फ़ोन, ठीक है, CEIR जो होता था ना, उसी को और ज़्यादा अपग्रेड कर दिएगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है, नाउ योर मोबाइल कनेक्शन, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि आप इस पोर्टल के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन पर या आपके आईडी पर कितने सिम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन ब्लॉक करना सीखेंगे, चाहे आपका फ़ोन खो गया है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें होने के बाद में यहाँ आप आएंगे ट्रेस, इसको ट्रेस कर सकते हैं, ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट फ़ोन, अनलॉक अनब्लॉक फ़ोन अचूक योर रिक्वेस्ट स्टेटस, तीन चीज़ें होती हैं उसमें भी। होता था जो CEIR होता था, वहाँ पे भी यही सेम चीज़ होती थी। तो अभी हम ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए रेड वाले पर हम पहले वाले पे क्लिक किए। अब ब्लॉक करने के लिए दूसरी फाइल खुलती है, तो यहाँ लिखा है गुम चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध करें, ठीक है। ये चीज़ आप ऊपर ये देख लेंगे, इंग्लिश हिंदी में दोनों हो सकता है, इसमें दो कई सारे लैंग्वेज में हो सकता है, फ़िलहाल मैंने इंग्लिश कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा आपको, डिवाइस इन्फॉर्मेशन लिखा है, मोबाइल नंबर डालिए, दो नंबर मैक्सिमम दो नंबर डाल सकते हैं, IMEI नंबर होता है, एक और दो ऑप्शन लिखा हुआ है, 15 डिजिट का होता है। इन पांचों 15 डिजिट के जो नंबर होते हैं आपके मोबाइल के डब्बे पे, आपके मोबाइल के इनवाइस पर, आपके मोबाइल में भी होता है, वहाँ से निकाल के आपको करना होगा। डब्बा रखे रहेंगे तो डब्बा अगर नहीं खोता है या इनवाइस होगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। डिवाइस ब्रांड जो दूसरा ऑप्शन आता है, आप डिवाइस ब्रांड सेलेक्ट करेंगे IMEI नंबर डालने के बाद। डिवाइस मॉडल नंबर ये भी डालना ज़रूरी होगा। अपलोड योर परचेज इनवाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिवाइस मॉडल नंबर के बाद में लिखा है अपलोड योर परचेज इनवाइस, इसमें आपका इनवाइस होना बहुत ज़रूरी है। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, लॉस्ट प्लेस यानी किस जगह पे आपका फ़ोन चोरी हुआ या गायब हुआ, डेट वो कौन सी, दूसरे जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, डेट डालना होगा।
सेलेक्ट द स्टेटस या सॉरी सेलेक्ट द स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, सारी चीज़ें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद आता है पुलिस स्टेशन। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चूँकि जो ये पोर्टल है इसको नहीं पता कि आपका फ़ोन खो गया है, और कैसे भरोसा कर ले कि आपका फ़ोन खो गया है, तो इसके लिए इसको भरोसा दिलाने के लिए आपको एक कंप्लेन करनी होगी, पुलिस कंप्लेन। ऊपर पुलिस कंप्लेन नंबर डालेंगे पुलिस स्टेशन के नीचे वाले में। अपलोड योर कंप्लेन फाइल, आपका जो FIR कॉपी है उसको अपलोड कीजिए। फिर इधर आता है ऐड मोर कंप्लेंट, तो यहाँ पे ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑनर नेम जो उसमें मालिक है फ़ोन का, एड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। ऊपर आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी नंबर यानी आधार कार्ड यूज़ करेंगे तो आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड यूज़ करेंगे तो राशन कार्ड नंबर, लाइसेंस यूज़ करेंगे तो लाइसेंस नंबर, जो भी आईडी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आईडी और उसका नंबर दोनों डालना होगा और फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। एक ईमेल आईडी मस्ट होगा, आप एक ईमेल आईडी ज़रूर डालें। नीचे कैप्चा डालें, ये नीचे कैप्चा के लिए है। आप ये अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो रेफरेंस करके दूसरा कैप्चा मंगा सकते हैं। फिर इसमें मोबाइल नंबर फॉर OTP, तो इसमें आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं फॉर OTP के लिए। आप किसी अपने सहयोगी का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं फॉर OTP के लिए, अपने घर वाले को डाल सकते हैं। ये फिर डिक्लेरेशन है, इसमें डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लेना, ऊपर ये डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना, मतलब आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी वो सही है, इसका आप मिसयूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या आप इसकी ज़रूरत है, नीचे सबमिट पर कर देंगे। आपका एप्लीकेशन ये क्या हुआ, सबमिट हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन जब सबमिट हो गया, आपका फ़ोन ट्रेस पे लग जाएगा। इसमें इस जो भारत सरकार का पोर्टल है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और जब आपका फ़ोन ट्रेस पे लग जाता है, और चूँकि अगर फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा तब भी इसको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि फ़ोन ब्लॉक हो, ठीक है, ये फ़ोन IEM जो आपका इंटरनेशनल नंबर होता है उससे ट्रैक किया जाता है, मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है उससे ट्रेस किया जाता है, ना कि फ़ोन नंबर से। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलता है या एप्लीकेशन नंबर मिलता है आपको अनलॉक करने के लिए फ़ोन को ले। ये कई लोगों ने तो मुझे कंप्लेन किया था कि मेरा रिक्वेस्ट नंबर खो गया है, तो प्लीज़ आपका जो एप्लीकेशन जो डालते हैं सबमिट करते हैं जो रिक्वेस्ट नंबर होता है, आईडी जिसको बोल सकते हैं, इस रिक्वेस्ट आईडी वो कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल है तो रख लें, या उसको कहीं ना कहीं रखिए। और दूसरी बात ये फिर नीचे लिखा है मोबाइल नंबर विच प्रोवाइड योर नोटिफिकेशन वाइट ब्लॉकिंग, जिस फ़ोन पर आपने OTP जिस फ़ोन पर डाला था OTP के लिए अलग से फ़ोन नंबर डालिए। लोग क्या करते हैं उसी फ़ोन को जो गायब होता है उसी को कर देते हैं, अलग से रखें तो बेहतर रहेगा। तो आपका जब फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे ये जिसमें आपको मैसेज गया था फ़ोन ब्लॉक हो गया, उस फ़ोन का नंबर हमेशा रखना, क्योंकि उसी फ़ोन को यूज़ करेंगे जब आपको अनलॉक करना होगा। नीचे आता है रीजन फॉर अनलॉकिंग, तो इसमें रिकवर बाई पुलिस, फाउंड बाई सेल्फ, ब्लॉक बाई मिस्टेक, फिर अदर रीज़न। तो इसमें ये चीज़ दिखाना होगा कि आप अपना फ़ोन अनलॉक क्यों कर रहे हैं। अभी मैं अनलॉक के बारे में बता रहा था, अनलॉक करने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वेस्ट आईडी, मोबाइल नंबर जिस पर आपने OTP मंगवाया था, और रीज़न आपका ब्लॉक हो गया क्यों, मतलब आप क्यों अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है। नीचे उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP, उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे, कुछ समय बाद आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये था अनलॉक करने का तरीका। अब हम सीखेंगे आप अपने फ़ोन उसका क्या कहते हैं, फ़ोन आपका जो आपने ब्लॉक कर दिया, अनलॉक करना सीख लिया। इसके बाद हम सीखते हैं अपना रिक्वेस्ट, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसका स्टेटस क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जो आपका रिक्वेस्ट आईडी है, जो रिक्वेस्ट नंबर होता है जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वही आईडी डालेंगे, नीचे सबमिट पे डालेंगे, आप अपनी रिक्वेस्ट स्टेटस देख लेंगे आपका एप्लीकेशन का क्या हुआ, फ़ोन चोरी हुआ था तो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, कहाँ क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं, घर बैठे देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये चीज़ आप समझ गए। एक चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि इस चीज़ इसमें एक चीज़ और होता है जिसमें जैसे कि हमने ब्लॉक करना अनलॉक करना सीख लिया, एक चीज़ और है इसमें आप जान सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को और अपने आईडी को ये चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में कितने मतलब सिम चल रहे हैं और आपके आईडी पे कितने सिम चल रहे हैं। होता क्या है, आप एक सिम चलाते हैं लीगली और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वह आपके आईडी पे 500 सिम चला देता है, तो उन 500 में से अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो चूंकि आपके आईडी पे ये है तो आप इसमें फंस सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, कैप्चा डालिए, ओटीपी मंगवाइए, तो यहाँ से आपको डिटेल आ जाती है, ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ 10 नंबर का मोबाइल नंबर कैप्चा ऊपर जो लिखा हुआ वो डालिए, यहाँ से साइड से रिफ्रेश कर सकते हो, फिर ओटीपी पहले मंगवाइए, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर ओटीपी मंगवाएंगे, ये जो नीचे अभी लाइट सा दिख रहा है जब यहाँ पे ओटीपी के लिए करेंगे, ठीक है, वैलिडेट कैप्चा करेंगे, उसके बाद फिर ये रिक्वेस्ट आएगा, फिर लॉगिन करेंगे अपने फ़ोन नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईडी पर कितने सिम चल रहे हैं, कहीं 4-5 सिम तो नहीं चल रहे हैं और आप लीगली एक ही सिम चला रहे हैं, बाकी आपके पीठ पीछे तो नहीं चलाया जा रहा है। इन सब के बारे में आप जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फ़ोन को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आज के बस इतने ही हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम है, उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं एक नया वीडियो और बना दूँगा।